तमिल थलाइवास यानी वो टीम जिससे फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन तमिल थलाइवास की किस्मत ने आज तक उनका साथ नहीं दिया। पिछले साल इतनी तगड़ी टीम होने के बावजूद भी तमिल थलाइवास अपने जोन में लास्ट आई थी, तो क्या इस सीजन भी यही होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है तमिल थलाइवास की स्ट्रेंथ और क्या है उनकी वीकनेस, अगर कुछ हो तो। एक काफी लंबे ब्रेक के बाद एक धमाकेदार कमबैक के साथ लेट स्टार्ट। तमिल थलाइवास हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जिसने फैंस को बहुत हैरान किया है। इस सीजन भले ही ये टीम दिखने में बहुत स्ट्रांग लग रही हो, लेकिन फिर भी इस टीम पर एक भारी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या, आइए जानते हैं। पिछले सीजन का तमिल थलाइवास का परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रहा था, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रा पिछले साल की टीम की ओर तो नज़र डालिए। मंजीत छिल्लर, अजय ठाकुर, सुकेश हेगड़े, अमित हुड्डा, जसवीर सिंह, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी ये टीम अपने जोन में लास्ट आई। इस टीम से फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और हो भी क्यों ना, इनके पास एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन साथ में जरा इनकी फिटनेस तो देखिए और देखिए इनके बाइसेप्स। आगे बढ़ते हैं। तो इतने तगड़े प्लेयर्स होने के बाद तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस होना तो जाहिर सी बात थी। अब फिर भी उनके लो परफॉर्मेंस का रीजन या तो एज फैक्टर हो सकता है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस सीजन मामला थोड़ा अलग है। इस बार तो तमिल थलाइवास की आधी टीम तो लिटरली कबड्डी वर्ल्ड कप की टीम है। मंजीत छिल्लर, मोहित छिल्लर, अजय ठाकुर और सबसे बड़ा नाम जो इस टीम के साथ जुड़ चुका है वो है राहुल चौधरी। जी हाँ, तेलुगु टाइटन्स के फॉर्मर स्टार इस बार तमिल थलाइवास में है, और उनका साथ देने के लिए शब्बीर बापू और रण सिंह भी। यानी इतनी खतरनाक टीम शायद ही कभी प्रो कबड्डी में बनी होगी। कई लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि प्रो कबड्डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तमिल थलाइवास की टीम में मोहित छिल्लर का नाम क्यों नहीं आ रहा। कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि मोहित छिल्लर इस सीजन नहीं खेलने वाले। तो उन सभी लोगों के लिए ये देखिए, ये फोटो तमिल थलाइवास की ट्रेनिंग के दौरान लिया हुआ फोटो है, और उसमें हम क्लियरली मोहित छिल्लर को देख सकते हैं, यानी वो इस सीजन ज़रूर खेलने वाले हैं। और रही बात उनका नाम वेबसाइट पे ना दिखने की, तो वो सिर्फ एक टेक्निकल इशू है जो कि बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक अपलोड हो रहा हो तब तक वो इशू ठीक भी हो गया हो, और मोहित छिल्लर का नाम टीम प्रोफाइल में ऐड भी हो गया हो। इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, और उतना ही तगड़ा है डिफेंस भी, खास करके ओपोनेंट के राइट रेडर्स की तो पूरी शामत आने वाली है, क्योंकि मंजीत छिल्लर और मोहित छिल्लर से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। और राइट रेडर्स से मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, प्रदीप नरवाल और जैंकुनली, इन दोनों के खिलाफ तमिल थलाइवास इस वक्त स्पेशल प्लानिंग कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जैंकुनली ने मंजीत छिल्लर और मोहित छिल्लर को कबड्डी वर्ल्ड कप के दौरान बहुत परेशान किया था, और प्रदीप नरवाल, इन्होंने तो लगभग हर डिफेंसिव कॉम्बिनेशन को तोड़ने की पीएचडी कर दी है। अब जब दोनों ही एक ही टीम में हैं और दोनों ही पटना के स्टार रेडर्स होने वाले हैं, तो ये बात पटना के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस सीजन अगर तमिल थलाइवास को हराना है तो सभी टीम्स को हजारों बार अपना होमवर्क करना पड़ेगा। तमिल थलाइवास को अगर खतरा है तो वो है सिर्फ एक बात का, कि जो पिछले साल हुआ वो इस साल में ना हो। इस बार भी अगर ये टीम लास्ट आती है तो मैं संन्यास ले लूंगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो तमिल थलाइवास की टीम इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही है। अब बस देखना यह है कि उनका परफॉर्मेंस भी उतना स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो तमिल थलाइवास के ऊपर। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप मुझे जरूर बताना कि आपका फेवरेट प्लेयर तमिल थलाइवास में से कौन है। साथ ही में कमेंट सेशन में आप मुझे ये भी बताना कि आपके हिसाब से पिछले साल तमिल थलाइवास में क्या कमी रह गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। प्रो कबड्डी के अपकमिंग सीजन में सभी टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सिद्धार्थ देसाई के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।